नमस्कार किसान भाइयों, आपका फिर से स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। किसान भाइयों, आप यहाँ पर 40,000 लाकर भी ट्रैक्टर ले जा सकते हो। जी हाँ किसान भाइयों, आप 40,000 के अंदर भी आप ट्रैक्टर ले जा सकते हो। अगर आपके आप बजट कम हो या पैसे कम हो, 40,000 लाकर आप ट्रैक्टर ले सकते हो यहाँ से, क्योंकि यहाँ लोन की पूरी सुविधा रहने वाली है किसान भाइयों। और ट्रैक्टर आपको लगभग अच्छी अच्छी कंडीशन में आपको मिलने वाले हैं। तो एक एक ट्रैक्टर की पूरी जानकारी देने वाला हूँ। ट्रैक्टर कौन सा मॉडल है, क्या प्राइस रहने वाली है, लोन की क्या सुविधा रहने वाली है, पेपर कंप्लीट मिलेंगे नहीं मिलेंगे, अच्छी कोई जानकारी आपको मिलने वाली है। समझो आज की वीडियो में आपको 2x1 भी दिखाऊंगा, DH-1035 भी दिखाऊंगा और गोल्ड सेफ के अंदर DH-1035 भी दिखाने वाला हूँ। तो ओवरऑल बेहतरीन कंडीशन ट्रैक्टर आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ के जो मैनेजर है उनसे मिलाता हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर आपका नाम बता दीजिए। शंकर यादव। तो सर ये मालूराम जी का दूसरा बड़ा रहने वाला है। हाँ जी। तो इसका एड्रेस बता दीजिए एक बार। एड्रेस ये है जयपुर रिंग रोड वाटिका रोड पर। वाटिका रोड पर ये वाड़ा किस नाम से रहने वाला है? अभी यादव ट्रैक्टर्स के नाम से रहता है। तो किसान भाई यहाँ आपको ट्रॉली मिलेगी और कल्टीवेटर हाल यानी कि जो कृषि यंत्र है पूरे मिलने वाले हैं यहाँ पे। क्या क्या मिलने वाला सर एक बार जी बता दीजिए। जो भी कृषि कार्य में काम आते हैं सभी मिलेंगे, हैरो ट्रॉली सब कुछ। तो ट्रॉली नई भी मिलती है पुरानी मिलती है? नई भी मिलती है पुरानी पुरानी मिलती है। तो अभी भी ट्रॉली खड़ी है हमारे पास? हाँ जी खड़ी है। तो सब्सिडी में रहती है इसमें? हाँ सब्सिडी। किसान भैया अगर आप कोई कृषि यंत्र लेते हो नहीं तो सब्सिडी आपको मिल जाएगी। वो ट्रैक्टर पे लोन होएगा? हो जाएगा। और ट्रैक्टर पे लोन की सुविधा भी रहने वाली है यानी कि पूरी सुविधा है यहाँ पे आपको। जो भी किसान भाई यहाँ आता है, मान लो कोई हल लेना चाह रहा है तो मिल जाएगा, ट्रॉली लेना ट्रॉली मिल जाएगी, ट्रैक्टर मिल जाएगा, सभी चीज यहाँ पे मिलने वाली है। तो सर इस ट्रैक्टर में बताइए कौन सा मॉडल है? ये 2017 मॉडल है। 2017 मॉडल। हाँ जी। और नंबर कहाँ के इसके? इसके नंबर RJ19। और नंबर कहाँ की होता है? RJ19। फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी? फर्स्ट पार्टी। तो टायर कंडीशन की बात है किसान भाई, 90% टायर आपको मिलने वाले हैं, बिल्कुल नए टायर है ट्रैक्टर के अंदर। सर इंजन कितना परसेंट मिलेगा इसे? 75% इंजन मिल जाएगा। 75%। बॉडी कलर साथ का है? साथ का है। कोई रीप्रिंट नहीं है? कोई रीप्रिंट नहीं है। तो सर इसकी डिमांड बता दीजिए। 4,35,000। सर लोन कितने का हो जाएगा इसमें? चार लाख के आसपास। बॉडी कलर साथ का है यानी कुल मिला की बात है। अगर आप यहाँ से ट्रैक्टर खरीदते हो 5 से 6 साल तक 1 रुपए लगाने की जरूरत नहीं है। ओनली ऑयल के अलावा ऑलरेडी आपको सर्विस कराना पड़ेगा और कुछ भी खर्चा नहीं ट्रैक्टर में। ठीक है सर, इसके बारे में बताइए। 2010 मॉडल। नंबर कहाँ के? इसके RJ21 नंबर है। RJ21। और फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी? सेकंड ओनर है। टायरों की बात करो? टायर नए 4। कंपनी के है रिमोंड है? कंपनी के है। और इंजन? इंजन लगभग 60% है। 60% इंजन मिल जाएगा बिल्कुल। ट्रैक्टर में 1 रुपया खर्चा नहीं है? 1 रुपया खर्चा नहीं। तो सर ट्रैक्टर आप क्या दोगे आप साथ में? टोपलिन दोगे बिल्कुल सर। तो किसान भाई कितने में दे रहे हो आप सर? ये दे देंगे 2,70,000। 2,70,000 में किसान भाई मात्र 2,70,000 में ट्रैक्टर मिल रहा है। सर जो प्राइस बताने फिक्स है, मान सम्मान रखा जाएगा? मान सम्मान बिल्कुल रखा जाएगा। देखिए किसान भाई आप आओगे तो आपका मान सम्मान पूरा रखा जाएगा। जो 2-4 हजार का रहेगा वो मान सम्मान पूरा रखा जाएगा। ट्रैक्टर में 1 रुपया खर्चा नहीं है? 1 रुपया। ठीक है सर, आगे जाइए, इसके बारे में बताइए। ये J-1035 2010 मॉडल है। 2010 मॉडल। हाँ जी। और टायर कंपनी के रिमोंड है? कंपनी के टायर है, पीछे के नए, आगे के लगभग 50% टायर है। 50%। और बॉडी कलर? साथ का है। ट्रैक्टर में 1 रुपया खर्चा नहीं है? 1 रुपया खर्चा है। बिल्कुल चालू कंडीशन में? बिल्कुल सर। मेरे किसान भाई ट्रैक्टर टायर की हम बात कर, लगभग 90% टायर मिल जाएंगे, आगे 50% है और बिल्कुल चालू कंडीशन में ट्रैक्टर रहने वाला है किसान भाई। टायर बिल्कुल नए इसमें। और जो प्राइस की हम बात कर, प्राइस फिक्स नहीं रहने वाली है। अगर आप यहाँ पे आओगे तो आपका मान सम्मान पूरा रखा जाएगा। ठीक है सर, इसके बारे में बताइए। बिल्कुल मॉडिफाई कर रखा है किस समय ट्रैक्टर में, देख लीजिए एक बार आप। तो इसके बारे में बताइए। ये 241 2013 मॉडल है। 2013 मॉडल। तो ये किसान भाई का है या लोडिंग में चलता है ट्रैक्टर? किसान भाई का है। तो डेली किसान भाई, किसान भाई ने पूरे ट्रैक्टर को मॉडिफाई करा रखा है। ट्रैक्टर डेली कितना शानदार लग रहा है। तो नंबर कहाँ के इसके? इसके नंबर RJ19। RJ19। फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी? सेकंड ओनर है। टायरों की बात करो? टायर पीछे के लगभग 60 पैसे, आगे के 60 पैसे। यानी पीछे के 60 पैसे, आगे के 60 पैसे है। इंजन में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल शानदार कंडीशन ट्रैक्टर रहने वाला है सर। डेली के समय बिल्कुल शानदार कंडीशन ट्रैक्टर रहने वाला है। ट्रैक्टर तो और मॉडिफाई भी, लाइटें भी चेंज कर रखी है, ऊपर लगा रखी है। तो किसान भाई ने अलग से लाइट लगा रखी है किसान भाई ने।
और खर्चा थोड़ी है 1 रुपए का। वैसे ऑयल के अलावा कुछ भी खर्चा नहीं? ऑयल के अलावा कोई खर्चा नहीं है। वो किसान भाई कितने में दे रहे हो आप? 3,35,000 मात्र 3,35,000 में दे रही किसान भाई। इतना मॉडिफाइड ट्रैक्टर आपको 3,35,000 मिल रहा है और लोन हो जाएगा इसमें? हो जाएगा सर, और लोन भी हो जाएगा किसान भाई। ट्रैक्टर बिल्कुल अच्छी कंडीशन रहने वाला है किसान भाई। सर इसके बारे में बताइए, माँ शक्ति 2013 मॉडल और नंबर आएंगे इसके? इसके आर जी इक्कीस के भी। टायर की बात करें तो टायर चारों नए हैं। चारों नए हैं और बॉडी अगला साथ है, कोई रिफिंड थोड़ी है? बिल्कुल नया है, बिल्कुल नया है। ट्रैक्टर में 1 रुपया खर्चा नहीं इसमें। इसमें ओनली किसान माल ले जाइए, ऑयल डलाइए और चलाइए ट्रैक्टर को। यानी कुल मिला के बात है कि किसान भाई अगर आप यहाँ से ट्रैक्टर खरीद रहे हो ना, 4 से 5 साल तक ओनली ऑयल का खर्चा रहेगा, 1 रुपया खर्चा नहीं है किसी भी ट्रैक्टर में। तो इसकी प्राइस बता दीजिए आप। 3,45,000 3,45,000 में बिल्कुल सर। और ऑन टेबल जो भी होगा मंथ में रखा जाएगा? बिल्कुल रखा जाएगा। और लोन हो जाएगा? हो जाएगा। और पेपर पूरे कंप्लीट मिलेंगे? कंप्लीट मिलेंगे पूरे, बिल्कुल पूरे। तो किसान पेपर पूरे कंप्लीट आपको मिलने वाले हैं। सर उधर आ जाइए, गौर साहब की दिखा दीजिए, DI 10x30। तो सर इसके बारे में बताइए। ये 2013 मॉडल है। 2013 मॉडल हाँ जी। और नंबर कहाँ के? RG44। RG44 बिल्कुल सर। और ट्रैक्टर में कमी नहीं है, 2013 मॉडल लेकिन 2020 की बराबर ट्रैक्टर लग रहा है, बिल्कुल चमचमाता ट्रैक्टर है। बॉडी कलर साथ का है, रिफ्रेंड है? बिल्कुल साथ का है सर। साथ का है। और इंजन कितना परसेंट है इसका? इंजन लगभग 60% इंजन है। 60% 60% इंजन मिलने वाला किसान भाई। टायरों की हम बात करें तो आगे पीछे लगभग आपको 90% टायर मिलने वाला है किसान भाई। टायर में कोई कमी नहीं है, बिल्कुल शानदार कंडीशन ट्रैक्टर आपको मिलने वाला है किसान भाई। और ये कितने घंटे चलाया लगभग? लगभग घंटे हो गए इसके 4000 में। और ऑन टेबल जो भी होगा आपको मान सामान पूरा रखा जाएगा, लोन की पूरी सुविधा है, ट्रैक्टर में 1 रुपया खर्चा नहीं इनमें। ठीक है सर आगे आ जाइए, इसके बारे में बताइए कौन सा मॉडल है? 2010 मॉडल है। 2010 मॉडल हाँ जी। और नंबर कहाँ के? RJ 21। टायरों की बात करें तो टायर लगभग आगे के नए, पीछे के 50% आगे के नए और पीछे 50% टायर आपको मिलने वाला किसान भाई। और इंजन कितना मिलेगा सर इसका? मिल जाएगा इंजन 60% 60%। बॉडी कलर साथ का है, रिप्रिंट है? बिल्कुल साथ का है। साथ का है डेली किसान भाई, बिल्कुल अच्छी कंडीशन ट्रैक्टर रहने वाला है। बॉडी आपको बिल्कुल साथ का मिलने वाला है, फंटे भी आपको साथ मिलेंगे। यानी वीडियो में जो ट्रैक्टर जैसा दिखाया जाएगा वैसा ट्रैक्टर आपको मिलने वाला है, कोई भी चेंजिंग नहीं रहेगा ट्रैक्टर में। आप आइए, किसान मालिक को बताइए ये ट्रैक्टर मैंने वीडियो में देखा है, ये ट्रैक्टर चाहिए तो आपको मिल जाएगा। और रही बात प्राइस की, तो आपका मान सम्मान रखा जाएगा। और सर प्राइस बताइए जी। 2,65,000 2,65,000 लोन कितने हो जाएगा इसमें? 2 लाख का लोन हो जाएगा। डेली किसान में 2 लाख तक का लोन हो जाएगा, 2,65,000 पूरा कम्प्लीट ट्रैक्टर आपको मिलने वाला है। ट्रैक्टर में 1 रुपया खर्चा नहीं है? कोई खर्चा नहीं है। ठीक है सर आगे आ जाइए, इसके बारे में बताइए। 2008 मॉडल 2008 मॉडल और नंबर कहाँ के? RG 19। और टायर? टायर लगभग पीछे के तो नए हैं, आगे के 50% टायर है हमारे। और इंजन? इंजन लगभग 70% है। 70% इंजन मिलने वाला किसान भाई। ट्रैक्टर में किसी का खर्चा नहीं? कोई खर्चा नहीं। तो किसान भाई कितने में दे रहे हो आप? दे रहे हैं 2,75,000 2,75,000 में। और ट्रैक्टर यानी लोन कितने हो जाएगा इसमें? हो जाएगा 2 लाख के आसपास 2 लाख के आसपास लोन हो जाएगा डेली किसान भाई। 2 लाख के आसपास लोन हो जाएगा, ट्रैक्टर में 1 रुपया खर्चा नहीं है। कुल मिला के वहाँ अगर यादव ट्रैक्टर मंडी से आप ट्रैक्टर ले रहे हो तो लोग 4 से 5 साल तक 1 रुपया लगाने की जरूरत नहीं है ऑयल के अलावा, क्योंकि टायर भी बिल्कुल ओके मिलने वाले हैं, इंजन भी ओके है, बॉडी कलर साथ का रहने वाला है, किसी प्रकार का खर्चा नहीं रहने वाला है। तो और कुछ दिखाना चाह रहे हो आप? ट्रॉली दिखाओगे? बिल्कुल दिखा। तो किसान भाई अंदर आ जाए, ट्रॉली दिखाते हैं। सर ट्रॉली के बारे में बताइए। नई ट्रॉली है, 2023 की ट्रॉली रहने वाली है? हाँ जी बिल्कुल। और साइज क्या रहने वाली है इसकी? साइज लगभग 8-5 की है। 8-5 की है हाँ जी। और टायर तो बड़े हैं? टायर बड़े टायरों में है? हाँ बड़े टायरों। बिना कबानी वाली है? हाँ बिल्कुल बिना कबानी की। तो डेली एग्जाम में ट्रॉली बिल्कुल 2023 की रहने वाली है, वो बिना कबाने वाली ट्रॉली है, 8-9 की रहने कितने में 8-5 की रहने वाली साइज में। तो इसकी कीमत क्या रहने वाली है? 1,20,000 1,20,000 रुपये हाँ जी। तो सर ट्रॉली पे सब्सिडी थोड़ी होती है? ट्रॉली पे सब्सिडी नहीं होती है। यानी ट्रॉली पे नहीं होगी, खर्चे अंतर रहते हैं उन पे सब्सिडी होती है। वो प्राइस क्या बताइए? 1,20,000 प्राइस 1,20,000 रुपये इसकी प्राइस रहने वाली है। ट्रॉली में किसी प्रकार का इशू नहीं है, बिल्कुल नई ट्रॉली है, तो क्या बिगड़ेगा नई ट्रॉली का। ठीक है सर, कल्टीवेटर के बारे में बताइए, इनके बारे में हल्के के बारे में इनके बारे में बताइए सर। ये
पिन टू पिन है। हाँ जी, इनकी प्राइस 25,300 है। 25,300 है। हाँ जी। और सब्सिडी? सब्सिडी हो जाएगा इन पे, बार वो GST बिल लेना पड़ेगा। अच्छा, तो किसान भाई कुल मिला की बात है कि सब्सिडी हो जाएगी, लेकिन आपको GST बिल लेना पड़ेगा इनका। तो अगर सब्सिडी कराना चाहे तो GST बिल लेके ही आप सब्सिडी करा सकते हो। और ये से अलग अलग या सेम ही है? अलग अलग है। इनकी प्राइस बता दीजिए। ये 24,300 के पड़ेंगे। 24 पिन कितने? 24,300। 24,300 कितने पिन में? कितने भी उसमें हलों में? नौ में है? कितने में? नौ में। नौ के अंदर मिलने वाला किसान भाई हो, और इसमें सब्सिडी जाएगी, वो GST बिल लेना पड़ेगा आपको। तो इसके बारे में बता दीजिए। ये इसकी रेट है 35,300। 35,300 रहने वाली इसकी रेट। हाँ जी। और इसमें भी वो GST बिल लीजिए और सब्सिडी कराइए। बिल्कुल। यानी कुल मिला के बात करें, अगर आप इस बाड़े पे आते हो तो आपको कृषि यंत्र से रिलेटेड, मान लो हल ले लो, कल्टीवेटर ले लो, पिलाव ले लो, ट्रॉली ले लो, यानी सभी साधन आपको यहाँ मिलने वाले हैं। और साथ में ट्रैक्टर भी आपको मिल जाएंगे, यानी पूरी सुविधा देने वाले हैं यादव ट्रैक्टर मंडी वाले। और सब्सिडी की हम बात करें तो आप GST बिल लीजिए और सब्सिडी कराइए, और ट्रैक्टर में लोन भी हो जाएगा, यानी कुल मिला के पूरी सुविधा रहने वाली है। सर एक बार एड्रेस बता दीजिए आप। रिंग रोड वाटिका, जयपुर। जयपुर यादव ट्रैक्टर मंडी के नाम से। तो किसान भाई अगर आप चैनल पर हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे आप जो डिमांड करते हैं वीडियो लेकर आता रहता हूँ। कोशिश करता हूँ मैं आपके लिए कम के ट्रैक्टर या ट्रॉली, कल्टीवेटर या ए लेके आऊँ। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और इनके नंबर में वीडियो के अंदर दूंगा, इनसे बात करके आप ट्रैक्टर अच्छे पूरी जानकारी लेके आप ट्रैक्टर कर सकते हो। तो आज की वीडियो इतना ही। जय जवान जय किसान। थैंक यू सर।